So again, greetings to my dear friends. Depending upon the time, location and all, translate those greetings to namaskar, good morning, good afternoon, good evening or good night be, right or not? So sakte ho, agar bore ho rahe ho to, theek hai? Yehi to adaptability hai bhai, fir se repeat karunga ki hum yahan kya kar rahe hain? Hum light padhne ki koshish kar rahe hain. Kaise padhne ki koshish kar rahe hain? MCQ solve karke. Kyon kar rahe hain? Kyunki CBSE ji maharaj ne pattern kar diya hai change. To us pattern mein MCQs भी आ रहे हैं, assertion reasoning भी आ रहे हैं, case based question भी आ रहे हैं, हम और कर चुके हैं और अगले वीडियो की तरफ बढ़ रहे हैं. तो क्या बोलती है कहानी यहाँ पर? कहानी हमें बोल रही है कि भाई सुन, an object is placed before a spherical mirror. अभी पता नहीं कि concave है कि convex, ठीक है? The image is found to be virtual for all the position, ठीक है? तो दो प्रकार की बात है, concave है. कॉनकेव में एक ही पोजीशन होती है जब वर्चुअल इमेज बनती है. कब? जब फोकस और पोल के बीच में रखा हो. जबकि कॉनवेक्स में सारी की सारी पोजीशंस पर हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज ही बनेगी. नेम द स्फेरिकल मिरर. स्फेरिकल मिरर कॉनवेक्स हुआ. बोथ बी एंड सी क्यों नहीं हो सकते? नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं हो सकते. क्लियर? क्योंकि वर्ड ऑल का यूज हुआ है. क्लियर? शो गुड. नाउ आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं. शो वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन. साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट इज कॉल्ड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. नहीं. स्नेल्स लॉ? हाँ. ओम्स लॉ? बिल्कुल नहीं. ओम्स लॉ वी इक्वल टू आई आर होता है. नन ऑफ दीज नहीं. स्नेल्स लॉ आंसर है. हम इससे इस कॉन्स्टेंट को ही हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं. हाँ, है ना? क्लियर? इसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बेटा एक और फॉर्मूला होता है. ओके वो ये होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम. क्लियर? बिल्कुल आराम से, बहुत सुंदर. क्लियर? बढ़िया. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं. बिल्कुल इत्मीनान से सुनने की कोशिश करना, समझ में आएगी और याद रखने की भी कोशिश करना भाई. अ लाइट रे एंटर्स, बधाई हो लाइट रे को अगर वो एंटर कर रही है, एंटर्स फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी. ओके टू मीडियम बी एज शोन इन द फिगर. अच्छा ठीक है, नॉर्मल क्या है और मीडियम क्या है. द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज. तो ध्यान से देखो, पहला मान के चलते हैं कि ये नॉर्मल है. अगर ये नॉर्मल है तो ये एंगल छोटा है और ये एंगल बड़ा है. हाँ, है ना? क्लियर? ये बी के लिए और ये ए के लिए. तो इसका यह मतलब है कि जो रे है, अगर हम इसको नॉर्मल, देखो भाई क्वेश्चन में गड़बड़ी है, कोई नॉर्मल मार्क नहीं है, ठीक है? तो अगर हम इसको नॉर्मल मान के चलते हैं, अगर इसको नॉर्मल मान के चलते हैं, अगर इसको नॉर्मल मान के चलते हैं तो बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल है. हाँ, ना? और बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल होती है फ्रॉम डेंसर टू रेयरर. हाँ, ना? क्लियर? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विथ रिस्पेक्ट टू ए विल बी लेस देन वन. ये आंसर होगा कब? जब हम इसे नॉर्मल मानते हैं. अब मान लो क्योंकि लिखा नहीं है भाई, तो थोड़ी देर के लिए हम पेन का कलर चेंज करते हैं और देखते हैं कि वो क्या बोलना चाहता है. राइट और नॉट? क्लियर? शो. तो मान लो अगर हमने कलर ले लिया व्हाइट थोड़ी देर के लिए, ठीक है, और हमने इसे नॉर्मल मान लिया होता बेटा. क्लियर? तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हो जाता. राइट और नॉट? क्लियर? और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये हो जाता. इस केस में दिख रहा है कि थीटा जो है इन बी इज लेस दैट. राइट और नॉट? यानी ये बेंडिंग टुवर्ड द नॉर्मल हो गई, तो उस केस में हो जाता ग्रेटर देन यूनिटी. क्लियर? समझ में आया? इन जनरल जब क्वेश्चन आएगा तो यहां पर लिखा होगा, मुझे ऐसा लगता है कि ये होना चाहिए. ठीक है? शो. तो ये हम मान के चल रहे हैं और इसका सही आंसर लेस देन यूनिटी होगा. क्लियर? बढ़िया. समझ में आया? क्वेश्चन में गड़बड़ है बेटा, वहां लिखा नहीं है कि नॉर्मल कौन सी चीज है. दो दिख रहे हैं हमें परपेंडिकुलर लाइंस. श्योर. गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. अ कॉनवेक्स लेंस प्रोड्यूसेस अ मैग्निफिकेशन ऑफ पॉजिटिव 5. पॉजिटिव मैग्निफिकेशन का मतलब है कि इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बनी है. हाँ, है ना? तभी तो पॉजिटिव मैग्निफिकेशन होगा, नहीं तो नेगेटिव मैग्निफिकेशन हो जाएगा. क्लियर? अब मैग्निफिकेशन फॉर अ कॉनवेक्स लेंस दो तरीके से पॉसिबल है. कब? एक जब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा होता है और दूसरा जब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा होता है. यहां पर जब ऑब्जेक्ट होता है तो जो इमेज बनती है बेटा वो रियल और इन्वर्टेड बनती है, जबकि यहां पर अगर ऑब्जेक्ट होता है तो जो इमेज बनती है वो वर्चुअल और इरेक्ट बनती है. क्लियर?
क्योंकि वर्चुअल और इरेक्ट का केस है तो हम लेंगे इसको कहां, एट लेस देन एफ। क्लियर? अगर रियल और इन्वर्टेड का केस होता तो ये आंसर आता बिटवीन सी एंड एफ। फाइन, कोई रॉकेट साइंस नहीं बेटा, सीधे सीधे। क्लियर? क्लियर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर इट इज। अ 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट ओके इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, डिफॉल्ट पोजिशन ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। बना लीजिए, ये रहा कॉन्वेक्स लेंस, ये रहा उसका प्रिंसिपल एक्सिस। ऑफ फोकल लेंथ 10, फोकल लेंथ हो गई। कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है बेटा वो नेगेटिव होती है। ये आपको साइन कन्वेंशन पढ़ना है तो ये लिख लो, ये रहा साइन कन्वेंशन पूरा। हम बात करते हैं मिरर हो या लेंस हो, ठीक है? तो पहले हम मिरर की बात कर रहे हैं। श्योर? मिरर, मिरर कौन सा, कॉनकेव और कॉनवेक्स। श्योर? फोकल लेंथ यू और वी, तीन ही चीज होती है नापने के लिए, राइट और नॉट? हाइट तो वर्चुअल और इरेक्ट हुई तो पॉजिटिव काउंट होती है, रियल और इन्वर्टेड हुई तो नेगेटिव काउंट होती है। आगे बढ़ते हैं, क्या बोलता है कि कॉनकेव में फोकल लेंथ जो है वो नेगेटिव होती है। शो मिरर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सदा सर्वदा ही नेगेटिव होती है बेटा, याद रखो, चाहे वो मिरर हो चाहे लेंसेस हो। अब कॉनकेव में 5 केसेस के लिए बेटा, कॉनकेव मिरर में 5 केसेस के लिए इमेज डिस्टेंस जो आती है वो नेगेटिव आती है। 1 केस के लिए जब वो फोकस और पोल के बीच में रखा हो तो इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव आती है। वैक्स में सदा और सर्वदा ही इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव आएगी। क्लियर? शो बिल्कुल पक्का। फोकल लेंथ कॉनवेक्स मिरर की, सो कलर चेंज करने के बाद अगर हम लेंस की बात करें भाई, तो लेंस में क्या हो रहा है, लेंस में क्या हो रहा है, लेंस में वही कॉनकेव लेंस और कॉनवेक्स लेंस। सो कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव ही होगी, कॉनवेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव ही होगी। शो फाइन, तो यहां पे कौन सा लेंस था, कॉनवेक्स लेंस, ठीक है, तो ये रहेगी पॉजिटिव। शो, मैंने भावुक होकर गड़बड़ लिख दिया था, ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो इसके आगे क्या लिखते हैं, इसलिए देखो ये काम की चीज है, U तो सदा सर्वदा ही नेगेटिव रहेगा। उसके बाद जाते हैं हम इमेज डिस्टेंस पे। सो कॉनकेव लेंस में जो इमेजेस होंगी, क्लियर, जो इमेज डिस्टेंस होगी वो नेगेटिव होगी इन ऑल द केसेस, ओके। कॉनवेक्स लेंस में जो इमेज डिस्टेंस होगी वो पॉजिटिव होगी 5 केस में और नेगेटिव होगी 1 केस में। कब होगी वो आपको पता है, तो ये काम की जानकारी थी दोस्त। आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है भैया, फोकल लेंथ 10 है, ऑब्जेक्ट की हाइट 2 है, क्लियर और नॉट? द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स मैग्निफिकेशन। तो बिल्कुल सरल है बेटा, कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से करूंगा। पहली बात, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लेंस के लिए होता है वी बाई यू, ओके फाइन। अब ध्यान से सुनना एकदम आराम से, 1/f, f कितना है, बिल्कुल फटाफट, शो 1/f, f f फोकल लेंथ 10 पॉजिटिव होगी, इज इक्वल्स टू 1/v, क्लियर नॉट? शो द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस दिया हुआ है, शो क्लियर, कितना, बिल्कुल फटाफट 15, हमेशा क्या होगा नेगेटिव, तो ये हो गया। v निकालना है, इसको यहां भेज दिए, ये 1/10 माइनस 1/15 इज 1/v। श्योर? बिल्कुल आराम से ध्यान से देखते जाइए, एलसीएम मिला आपको 30, ऊपर जाएगा 3, नीचे यहां 2, 1, तो v जो है वो 30 मिलेगा आपको, राइट और नॉट? श्योर? v मिलेगा आपको 30, तो v है आपका 30, u है आपका 15, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो आपकी जो इमेज की मैग्निफिकेशन है वो नेगेटिव 2 बनेगी, यानी आपकी रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी बट वो मैग्निफाइड होगी, चमका मुस्कुराहटों के साथ। श्योर? फिर से सुन लो, ये मैंने एक्स्ट्रा जानकारी दी है तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन तो बहुत लंबा हो गया, नहीं, ये क्वेश्चन सिर्फ इतना है। श्योर? बिल्कुल आराम से नोट डाउन करने वाले फॉर्मूले क्या है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, क्योंकि ये क्या था, लेंस था, अगर मिरर होता तो यहां प्लस होता, और मैग्निफिकेशन क्या होता है, v बाई यू, क्लियर? ये 2 फॉर्मूले आपके काम के, ये किसके लिए है, ये लेंस के लिए बेटा। अगर यही फॉर्मूले में मिरर के लिए बोलूं तो यहां पर प्लस लग जाएगा और यहां पर एक माइनस लग जाएगा, ठीक है,
Next, we can get real and highly diminished or diminished size image by convex lens. बिल्कुल सही है, अगर आप convex lens में infinite पर रखते हैं object को, तो आपको focal point पे बहुत ही diminished, और अगर आप थोड़ा बहुत center of curvature के पास आ जाते हैं तो diminished image मिलेगी। ये बात सत्य है। When अच्छा यही पूछा है, when object is placed at infinity and beyond 2f, at 2f पे infinite size की image मिलेगी, और between f and optical center पे आपको एक virtual and erect image मिलेगी। तो आपको चाहिए क्या क्या, real image चाहिए और छोटी image चाहिए। तो ये तभी मिलेगा जब आप c के beyond हो infinity तक। तो पहला और दूसरा यानी कि alpha answer है। Next question, और अब बाप रे इतना बड़ा क्वेश्चन। There are certain rules for the image formation in spherical mirror. हाँ, there are rules. Which of the following are applicable in convex mirror? ठीक है, in a convex mirror, a ray of light placed parallel to the principal axis after reflection, किसके बारे में बात हो रही है, मिरर के बारे में, भाई देख लिया करो, appears to diverge from the focus. किसके बारे में बात हो रही है, कॉन्वेक्स मिरर में। तो एक लाइन जो पैरेलल आ रही है वो डाइवर्ज होती है, हाँ, एंड अपीयर कहां पर होती है, या फोकल पॉइंट पे। तो ये बात तो सही है। इन अ कॉन्वेक्स मिरर अ रे ऑफ लाइट डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन। अच्छा मिरर के बारे में बात कर रहा था, सॉरी मैंने लेंस बना दिया बेटा, ये कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो एक लाइन जो पैरेलल आएगी वो ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, बट ये अपीयर टू बी फ्रॉम फोकस, ठीक है। इन अ कॉन्वेक्स मिरर रे ऑफ लाइट डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ओके ऑफ कर्वेचर आफ्टर द रिफ्लेक्शन इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम डायरेक्शन। बिल्कुल सही है, श्योर, कोई डाउट नहीं है इसमें, बिल्कुल सीधा, जो सी के थ्रू जाती है वो सी के थ्रू ही आती है, बिल्कुल सही है। सेकेंड भी करेक्ट है, ओके। फर्स्ट और सेकंड सभी में है क्या, नहीं, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों करेक्ट होने चाहिए। फर्स्ट और सेकंड इसमें है और इसमें है, तो अब मुझे चेक करना है कि थर्ड और फोर्थ में से दोनों सही हैं कि नहीं। क्लियर और नॉट, श्योर। इन अ कॉन्वेक्स मिरर अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर गोज विदाउट एनी डेविएशन। ऐसा नहीं होगा, ये तो किसमें होता है, लेंस में, है ना। ऑप्टिकल सेंटर नाम की चीज मिरर में होती ही नहीं है, तो थर्ड सही नहीं है, इसका मतलब है फोर्थ सही होगा, फिर भी पढ़ लेते हैं। इन अ कॉन्वेक्स मिरर अ रे ऑफ लाइट डायरेक्टेड टुवर्ड द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, बिल्कुल सत्य है। तो ब्रावो इज द राइट आंसर। कितना सुंदर क्वेश्चन, मुझे आई लाइक दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर आर। प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है वो वर्चुअल होती है, क्लियर, लैटरली इन्वर्टेड होती है, इज इक्वल टू दैट ऑफ ऑब्जेक्ट 1, 2 एंड 3। 1, 2 एंड 3 लिखा हुआ है चार्ली पे, इन्वर्टेड नहीं होती वो, वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है, लेकिन लैटरली इन्वर्टेड होती है, फाइन, श्योर। नेक्स्ट, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द पोल ऑफ अ मिरर एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर में जब भी आप एक ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखते हैं तो आपको पता है क्या होता है, हाँ, है ना, एक वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज प्रोड्यूस होती है जो कि मैग्निफाइड होती है, क्लियर। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, रियल और इन्वर्टेड नहीं होगी, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट नहीं होगी, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट होगी। तो 1, 2 एंड 6, 1, 2 एंड 6 ब्रावो में लिखा हुआ है एंड आई एम हैप्पी विद इट, कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, we use concave mirrors in day to day commonly, dentist के पास concave use होता है, shaving में concave use होता है, traffic mirror में भी concave use हो सकता है, मतलब उतने ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं, convex को ज्यादा, rear view mirror में तो बिल्कुल नहीं convex, reflector in torches, हाँ, so 1, 2 and 5 ढूंढूंगा मैं, 1, 2 and 5 है कहीं, हाँ, चार्ली, क्लियर, बढ़िया, सुंदर, 1, 2 and 5।
बढ़िया रहा। तो ये थे और 10 क्वेश्चन भाई, ऐसे मैं झड़ी लगाने वाला हूं मैं, बिल्कुल कमर कस लो, पढ़ने को तैयार हो जाओ, चैप्टर क्लियर हो जाएगा पूरा। 100 क्वेश्चन कर लिए, उससे ज्यादा क्या ही पूछेगा बताओ, राइट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट।